आज संडे है, सुबह सुबह मैं आप सबको अपने गार्डन में खिले हुए फूलों के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे फूल ये खिले हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी से मैंने आज अपनी वीडियो की शुरुआत की है। और ये जो प्लांट है, इस बार मैंने बीज से लगाया था, दो तीन प्लांट ही लगाए थे बीज से, जो इस तरह की फलियाँ निकल आती हैं ना, ये देखिए इस तरह की फलियाँ जो इसमें निकलती हैं इसी में मैं डाल देती हूँ। लेकिन एक दो फली रखी थी उसी से ये पौधा इस बार मैंने तैयार किया हुआ है। तो ये आपने देखा कितना खूबसूरत अपराजिता का ये फूल हमारे गार्डन में खिला है। उसके बाद एक सोरा है सफ़ेद वाला, उजले रंग वाला, ये फूल बहुत अच्छे से खिला हुआ है और भी कलियाँ पहलुओं में बनी हुई हैं। मैक्सिकन पिटूनिया तो बहुत ही खूबसूरती से फूल खिल रहे हैं, देखिए सारे पर्पल वाले हैं, ये पिंक वाला है। और इसकी और कटिंग मैंने लगाई थी दूसरी जगह, जिसमें कटिंग लगाई है उसमें भी इस वक्त फूल नहीं खिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कि सुबह के अभी 6:30 बजे है, तो मैंने सुबह सुबह विचरण करने के लिए गार्डन में नहीं आ गई थी, सॉरी कैमरे पे मेरी उंगली आ गई, मैं एक्चुअली कैमरे के ऊपर ले जाना चाह रही थी। और ये देखिए मेरे नाग चंपा के फूल आप देख रहे हैं कितने सारे, एक एक ये हर एक जितनी भी डाली है, जितने भी टिप्स में सब के फूल खिले हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। और जो फ्रंट साइड में है वो दिखाई देता है। इसी तरीके से चंपा के भी बहुत सारे फूल जो हैं वो खिल रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कुछ कुछ तो चंपा के जो मैंने प्लांट्स लगाए थे मेरे 10-12 साल पुराने हो गए हैं, और इतनी हाइट आप देख रहे हैं कि मुझे इसको ऐसे छूना पड़ रहा है, इतना बड़ा हो गया है। और ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट जो मैंने यहाँ पे रखा था, वो प्लांट देखिए कहाँ जा रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर की तरफ चला गया है। वो अभी सीढ़ी लगा के देख रहे हैं, वो बाहर आपको दिख रहा होगा, बाहर की तरफ ये चला गया है बिल्कुल, ये देखिए कहाँ जा रहा है। तो इसे मैं अभी सीढ़ी लगा के वापस करूँगी। गिलोय का प्लांट भी बहुत अच्छे से हरा भरा हो रहा है, और मौसम का कोई मिजाज का पता नहीं कब बारिश होगी नहीं होगी। प्लांट्स हरे भरे तो हो रहे हैं, पर मैं आज खिले हुए फूलों को आपको दिखा रही हूँ। तो और इसके बाद ये देखिए, अभी जब थोड़ी सी धूप हो जाएगी तो ये सारा पोर्टुला का जो है प्लांट वो सब सारा खिल जाएगा हमारा। और ये सारे सब में कलियाँ बनी हुई हैं, सब 9:30 बजे तक खिलेंगे। मैं उस वक्त आपको और दिखाऊंगी सारी, ये देखिए देख रहे हैं कलियाँ। और ये मेरा शावनी का फूल तो उस टाइम आपको दिखाया था फर्स्ट डे, अभी बहुत सारा खिल रहा है, कनेर भी खिल रहे हैं। और ये देखिए राखी बेल के दो फूल खिले थे, थोड़ी धूप हो जाएगी तो मैं आपको और भी दिखाऊंगी इसको। कटिंग से ला के लगाया था, कटिंग से लगा हुआ गेंदे का फूल देखो 15 दिन में किस तरह से एकदम से इतना ज्यादा बढ़ गया, इतने फूल खिल रहे हैं और इसमें इतनी सारी कलियां बनी हुई हैं।
और ये साथियों ये देख रहे हैं कितने ये राखी के फूल को देख रहे हैं। मैं ऊपर तक हाथ करके कोशिश कर रही हूँ, शायद आपको दिख जाए। और इसमें कलियाँ आप देख रहे हैं, कितने सारे बर्ड्स लगे हुए हैं, ऊपर से लेके हर हर नोड एरिया में लगा हुआ है। तो और ये वाला देखिए, इधर ये इधर भी आपको दिखा रही हूँ, ये नीचे वाला पोर्शन है, हर एक नोड एरिया में कलियाँ बनी हुई हैं। और ये देखिए अभी खिल के बहुत सारे फूल जो हैं, यहाँ भी देखिए आप देख रहे हैं। तो एक साथ में तकरीबन इस वाले प्लांटर में बहुत सारे फूल खिल रहे हैं और मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये आपको दिखा देती हूँ। रंजई का जो हमारा क्लेमिटीज का ये पौधा है, इसकी सारी कलियाँ आप देख रही हैं। एक दो दिन में ये खिल जाएंगे, जब ये खिलेंगे तो मैं आपको फिर से एक व्यू बना के दे दूंगी। पर आज जो गार्डन में खिले हुए सारे पौधे थे वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। कैसा लगा आप सबको आज का वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और मेरे गार्डन में खिले हुए फूल आपको कैसे लगे ये भी लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ कल्पना कीजिए कि ये फूल सारे खिलेंगे तो कितने खूबसूरत लगेंगे। ये सफ़ेद रंग में, वाइट कलर में ये सारे फूल खिलते, पूरा एक ही बार खिलेगा। देख रहे, पूरा पौधा भरा पड़ा हुआ है कलियों से। तो आप सब गार्डनिंग करते रहिए, आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय पर एक वीडियो लेकर के। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।